बच्चों, तो आज एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा, फ्लूइड है ना। वेट हो रहा था कब से फ्लूइड का। सो फ्लूइड अपना एक बड़ा टॉपिक है और फ्लूइड में अपन के तीन बड़े पोर्शन होंगे। फ्लूइड का जो अपन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसमें तीन बड़े चैप्टर होंगे या तीन बड़े टॉपिक कह लो, ठीक है। तीन मेजर टॉपिक होंगे। एक हमारा होगा स्टैटिक फ्लूइड, जब फ्लूइड रुका हुआ हो। एक होगा डायनेमिक फ्लूइड, जब फ्लूइड चल रहा हो। चल रहा हो मतलब फ्लूइड बह रहा हो, फ्लो कर रहा हो। स्टैटिक का मतलब फ्लूइड रेस्ट पे हो विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, ठीक है। जैसे मान लो मैं किसी बीकर में पानी भर के उसको कार के ऊपर रख दूं, तो वो स्टैटिक में कहानी काउंट होगी, उसके जितने भी लॉज होंगे सब स्टैटिक से आएंगे, वो पानी नहीं चल रहा। डायनेमिक मतलब जब पानी फ्लो हो, है ना, नल से जो पानी गिर रहा है, पाइप में जो पानी बह रहा है, वो डायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। और तीसरा हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी वगैरह की कहानी जो होंगी, ठीक है। तो इन तीन मेजर पोर्शन में इस फ्लूइड को हम डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेटली हम स्टैटिक पढ़ेंगे, जिसमें बहुत पुरानी क्लासिकल थ्योरीज रहेंगी। प्रेशर के बारे में समझेंगे, प्रेशर के वेरिएशन के बारे में, फ्लूइड्स के ऊपर लगने वाले लॉस के बारे में, पास्कल्स लॉ, बायंड फोर्स, आर्किमिडीज लॉ, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इसके बाद अपन फ्लूइड डायनेमिक्स पे स्विच करेंगे, जिसमें हम बहुत से और क्लासिकल लॉस पढ़ेंगे जब फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है, कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, टॉर्सलीज थ्योरम, वेंचुरी मीटर वगैरह वगैरह। एक पॉजलीज इक्वेशन भी है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको तो छोड़ देंगे। उसके बाद हम सरफेस टेंशन पे जाएंगे कि क्या होता है, सरफेस एनर्जी वगैरह क्या होता है ना, प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड अ एयर बबल, ये सब वगैरह वगैरह, कैपलरी ट्यूब, कैपलरी राइज, उसके फॉर्मूले वगैरह, फिर विस्कोसिटी वगैरह देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें पढ़नी है। सुन के ही सब सो गए कि सर इतना पढ़ाएंगे क्या। हमें तो लगा था सर फ्लूइड तो किताब में 6-7 पन्ने में खत्म कर दिया। हमें तो लगा था फ्लूइड बहुत छोटा है, आप तो बता रहे कि फ्लूइड आप बहुत लंबा पढ़ाएंगे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं अभी तक थे सर, इसको बताने के बाद बढ़िया नहीं बचे। चलो तो हाँ सर, आज तो चूहा ही खाएंगे। इतना लंबा फ्लूइड कैसे हो सकता था? मेरे क्लास में भी होता था, बच्चे सोचते थे कि किताब में फ्लूइड छोटा सा दिया है। ऐसा नहीं है, फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है फ्लूइड, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट यस लेंदी है। स्टार्ट करते हैं आज हम फ्लूइड की कहानी को, और अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड का पूरा स्टैटिक्स का कहानी का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो आज पहले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पहले लेक्चर में हम प्रेशर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। प्रेशर ऑफ फ्लूइड क्या होता है, प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है शायद, और ये भी पढ़ेंगे कि फ्लूइड को हम किसी वही बीकर में रख के कार के ऊपर रख दें तो क्या होगा। जैसे हम ग्लास में पानी लेके ऐसे खींचते हैं, ग्लास में पानी लेके ऐसे खींचते हैं तो क्या होता है, पानी एक तरफ चला जाता है, तो कितना जाएगा एक तरफ, कुछ पानी बाहर गिर जाता है, ग्लास में रख के ऐसे बढ़ा दो तो कितना पानी बाहर गिरा वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सी कहानियां पढ़नी है। तो शुरू करते हैं यार, चल। तो सबसे पहले जो फ्लूइड की बात है, पहले समझो हमें जो फ्लूइड पढ़ना है वो आइडियल फ्लूइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आइडियल फ्लूइड। वैसे कहने को तो फ्लूइड होता है जो चीज फ्लो कर सके, जैसे कि लिक्विड और गैसेस। तो कहने की बात तो ये होती है कि फ्लूइड वो चीज है जो फ्लो कर सके, लाइक लिक्विड एंड गैसेस। बट बेसिकली हमारी जो स्टडी रहेगी इन पूरे 2-3 चैप्टर्स में या इस चैप्टर में, वो बेसिकली लिक्विड के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा, ठीक है। हमारा मेजर स्टडी लिक्विड का होगा। देखो सॉलिड की स्टडी तुमने कर ली अभी तक, जितने चैप्टर्स थे करीब करीब सॉलिड पे ही बेस थे, ठीक है, नहीं सच बोलो सब सॉलिड्स पे थे घुमा फिरा के। लास्ट में ये इलास्टिसिटी वाला भी पूरा टॉपिक आया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का, वहां से भी सॉलिड प्रॉपर्टी खत्म। ये पूरा एक तरह से देखो तो फ्लूइड कहने की बात है पूरा लिक्विड का टॉपिक, और इसके बाद जब थर्मोडायनेमिक्स आएगी तो उसमें गैसेस के बारे में सारी चीजें इस तरह से कवर होता है। एनीवेज यहाँ के कुछ लॉज ऐसे होंगे जो गैसेस पे भी वैलिड होंगे, कई बार कुछ मॉडिफिकेशन करके गैसेस पे लगाएंगे, बट जो डेफिनेशन है फ्लूइड की वो यही है, एनीथिंग विच कैन फ्लो। एनीवेज हमें आइडियल फ्लूइड की बात करनी है, तो आइडियल फ्लूइड की दो प्रॉपर्टी अब आपको याद करनी पड़ेगी, जिनके ऊपर यहां से बताए हुए सभी लॉ वैलिड होने जा रहे हैं। आज से हम जितने भी लॉ बताएंगे सब किस पे लगेंगे? आइडियल फ्लूइड पे।
आइडियल फ्लूइड की बच्चों पहली कंडीशन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन होती है इनकंप्रेसिबल हो. कैसा हो? इनकंप्रेसिबल. सर इनकंप्रेसिबल का मतलब, मतलब वो कंप्रेस नहीं हो सकता. आप लिक्विड पे प्रेशर लगाओ तो लिक्विड दबे नहीं, जबकि आपको पता है गैसेस बहुत इजीली कंप्रेसिबल हैं. तो आप समझ रहे हो ना, जब आइडियल फ्लूइड की बात कर रहा है घुमा फिरा के किसकी बात कर रहा है? घुमा फिरा के लिक्विड की ही बात हो रही है. गैसेस तो यार बहुत इजीली कंप्रेस हो जाती हैं. गैस को इनकंप्रेसिबल मानना तो पूरी तरह से गलत है. गैस तो कुर कंप्रेस. तो आइडियल फ्लूइड बच्चों वो है जो इनकंप्रेसिबल हो, मतलब कभी भी उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा. इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम. हम क्या मानेंगे आइडियल फ्लूइड का? इट हैज व्हाट? फिक्स्ड वॉल्यूम. इधर ही लिखता हूं इनकंप्रेसिबल टॉपिक के नीचे. इसका मतलब है क्या है, उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता. जबकि गैसेस की बात करो तो आपको शायद याद होगा गैसेस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम. ठीक. अच्छा मास तो फिक्स होगा ही, फिक्स्ड मास. मास तो किसी चीज का चेंज नहीं होता. और इन सब की वजह से डेंसिटी भी फिक्स हो जाएगी, डेंसिटी भी फिक्स हो जाएगी. तो आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहे. सर डेंसिटी कैसे चेंज हो सकती थी? अगर प्रेशर लगाएं, फ्लूइड को दबाएं, मॉलिक्यूल्स क्लोज आए, तुम पास आए, यू मुस्कुराए, तो क्या होगा? तो डेंसिटी कम हो जाएगी. ये हम लोग ने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था इलास्टिसिटी 04 में. इलास्टिसिटी का जो फोर्थ लेक्चर था, मेरे थ्रोट में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके लिए मैं यहाँ पर ग्रीन टी लेके बैठा हूँ. तो इलास्टिसिटी के लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जब आप फ्लूइड को दबाते हो तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है. बट यहाँ हम बात कर रहे हैं इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की, कि प्रेशर लगाओ कुछ लगाओ, है ना, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, ऑन अप्लाइंग प्रेशर आप जितना चाहे उतना प्रेशर लगा लो, द फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल. ऐसे फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड बोल सकते हैं जिसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट, यानी यहां से जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं होगी. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नॉन विस्कस होता है. फिर से बोलता हूं क्या होता है नॉन विस्कस. नॉन विस्कस क्या होता है? देखो फ्लूइड में जो फ्रिक्शन है उसका नाम विस्कोसिटी पड़ गया. यानी मान लो यहां पे पानी की लेयर है, एक लेयर दूसरी लेयर पे जो टेंजेंशियल फोर्स लगा रही, कितना स्पेसिफिक बात करनी पड़ती है, एक लेयर दूसरी लेयर पे जो टेंजेंशियल फोर्स लगा रही उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स. एक लेयर दूसरी लेयर पे जो फोर्स लगा रही, ये मत बोलना, एक लेयर दूसरी लेयर पे जो टेंजेंशियल, जो शेयरिंग फोर्स, ऐसे खींचने वाली फोर्स लगा रही उसको बोलते हैं विस्कस, यानी फ्रिक्शन की फोर्स. तो नॉन विस्कस मतलब देयर इज नो टेंजेंशियल. आपको लग रहा होगा ना सर ये क्यों लाया वर्ड, हम बताते हैं. फोर्स अमंग लिक्विड लेयर्स, फ्लूइड लेयर्स, लिक्विड लेयर, आप समझ गए ना अब तो बात, जो फ्लूइड लिक्विड वाली मैं बार बार यूज करूंगा, समझ गए ना, मतलब ज्यादातर बात यही की हो रही है. देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स अमंग लिक्विड लेयर, है ना, या शॉर्ट में बोलो नो फ्रिक्शन. सर टेंजेंशियल क्यों बोल रहे हैं? यार एक लेयर दूसरी लेयर पे वेट वाली फोर्स तो लगाएगी ही ना. ये लिक्विड की एक लेयर, ये दूसरी लेयर, पहली लेयर इस पे वेट वाली फोर्स तो लगाएगी ही, पर फ्रिक्शन उनके बीच में प्रेजेंट ना हो. सो दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड समझ में आ गया, जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती, जिसकी लेयर्स में फ्रिक्शन नहीं होता. अब शुरू करें टॉपिक. सर इतनी देर से तो यही बोल रहे हैं आप, शुरू करें, अभी तक शुरू ही नहीं किया सर, हमको लगा वीडियो खत्म होने वाला है. अरे भाई चल भाई स्टार्ट करते हैं. तो हेडिंग आज की पड़ेगी प्रेशर. आइडियल फ्लूइड समझ में आ गया, यहां से जितनी भी बातें होंगी सब में आइडियल फ्लूइड लगेगा. प्रेशर. सो बच्चों प्रेशर क्या होता है? प्रेशर वो होता है जब एग्जाम में कम नंबर आते हैं और मम्मी का फ्लाइंग चप्पल आके पड़ता है ना, उसके पहले जो दिमाग पे टेंशन होती है उसको प्रेशर कहते हैं, प्रेशर बनना. प्रेशर क्या होता है? जैसे नेल से अपने हाथ मान लो कुछ खून निकल आता है, और नेल कितना पतला सा होता है ना, कीला कितना पतला सा होता है, वो सुई है ना, वो सेफ्टी पिन, भगवान ना करे किसी लड़की से आपको सेफ्टी पिन पड़ जाए, छी तो उससे क्यों हाथ में खून निकलने लगा? क्योंकि फोर्स तो, चलो माना फोर्स तो बहुत लगानी भी नहीं पड़ती, ऐसे कुछ ऐसे दबाव हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत कम होता है. ये सब बातें आपको पता होगी. मतलब प्रेशर कैसे डिफाइंड है? फोर्स अपॉन एरिया, गलत हो गया. प्रेशर कैसे डिफाइंड है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, गलत हो गया. प्रेशर कैसे डिफाइंड है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, सही हो गया. प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये भी सही है.
थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। जैसे मान लो यहां पे कोई सरफेस है और उस पर एक फोर्स ऐसे मैंने लगा दी, ठीक है, सपोज कर लो एट एन एंगल थीटा। इस फोर्स के दो कॉम्पोनेंट हैं, एक ये वाला कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा, एक ये वाला कॉम्पोनेंट एफ साइन थीटा। प्रेशर में आप सिर्फ ये कॉम्पोनेंट लेते हो, कॉस थीटा वाला नहीं, परपेंडिकुलर वाला। ऐसे मत कहो कॉस थीटा वाला, एंगल यहां थीटा दे देते हो तो हम चेंज कर सकते हैं। तो सरफेस के जो फोर्स परपेंडिकुलर होती है उसी को प्रेशर के टर्म में रखा जाता है, और नीचे हम क्या रख देते हैं, वो सरफेस एरिया जिस पे प्रेशर लग रहा है, जिस पे फोर्स लग रही है। सब छोटी छोटी बातें हैं, सबको पता होगा, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रेशर कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। बावजूद इसके कि फोर्स एक वेक्टर है, एरिया एक वेक्टर है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। कई लोग इसको टेंसर क्वांटिटी बताते हैं, पर आपके सिलेबस के लिए स्केलर में ही काम हो जाना है। इट हैज नो डायरेक्शन। अब नो डायरेक्शन, जरा मैं एक बात बता दूं कि ये प्रेशर की क्वांटिटी है ये आइसोट्रोपिक होती है। आइसोट्रोपिक सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आइसोट्रोपिक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी पॉइंट में किसी भी डायरेक्शन में सेम हो। रिपीट करते हैं, आइसोट्रोपिक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी पॉइंट में किसी भी डायरेक्शन में सेम हो। यानी प्रेशर का कोई डायरेक्शन है नहीं, सभी डायरेक्शन में प्रेशर बराबर से लगता है गिवन पॉइंट पे। जरा समझाते हैं ये बात। यहां से हम बोल सकते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, जो बोलना चाहो, सब एक ही बात है। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन, अब मैं फोर्स अपॉन एरिया लिखूंगा बार बार तो ये नहीं कि आप मेरे में गलती निकालोगे, आप समझोगे कौन सी फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स। कोई भी फोर्स नहीं रखनी है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया का भी मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर नहीं। खैर एनीवेज, यहां से मैं बोलूंगा फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, बार बार लिख नहीं रहा हूं कि कौन सी फोर्स है, प्रेशर इनटू एरिया। समझाते हैं आइसोट्रोपिक का मतलब। मान लो यहां इस पे कोई लिक्विड है हमारे पास, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा रे, यहां पानी है, ठीक है। पानी के इस पॉइंट पे हमने कहा कि प्रेशर पी है, प्रेशर पॉइंट पे होता है डायरेक्शन में नहीं, प्रेशर पॉइंट पे होते ही डायरेक्शन में नहीं, प्रेशर पॉइंट पे है, इसी बात को घुमा घुमा क्यों बोल रहे हो सर, प्रेशर पॉइंट पे होता है डायरेक्शन में नहीं। जो फोर्स है वो सभी डायरेक्शन में सेम होगी, मतलब इस पॉइंट पे इस तरफ फोर्स होगी पी इंटू ए, इस तरफ फोर्स होगी P into A, इस तरफ फोर्स होगी P into A, ला रे ला रे ला, ला रे ला रे ला, हर तरफ P A P A P A P A P A, यानी इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। प्रेशर की जो यूनिट होती है, बहुत जल्दी जल्दी निपटा रहा हूं, समझ में आ रही है, सब बेसिक बेसिक बातें हैं, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रेशर की जो अपनी एसआई यूनिट है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी बोलो, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। So, SI unit of pressure is Newton per meter square, या उसी को हम पास्कल बोलते हैं। पहले इतना नोट कर लो, इसमें से जो अच्छा लगे। प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज आइसोट्रोपिक, सब बहुत बेसिक बातें हैं। चलिए कर लिया है, कर लिया है। मैंने तो देखे हैं अनगिनत सपने, ख्वाहिशों से ऊंचे बंधन से गहरे, मैंने तो देखे हैं अनगिनत सपने, ख्वाहिशों से ऊंचे और बंधनों से गहरे, की सही और क्यों गलत है तेरी मेरी सोच में बस ये फर्क है। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट क्या क्या आ रही थी अपनी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। और भी यूनिट होती है, पढ़ा होगा एटीएम होती है, 1 एटीएम इज 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यूनिट होती है अपनी बार होती है, 1 बार इज नियरली 1 एटीएम, बट एग्जैक्ट वैल्यू 1 एटीएम के बराबर नहीं होती, 1 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दूं क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की ये यूनिट होती है, ये यूनिट बहुत ज्यादा कॉमन है, प्रेशर की बहुत ज्यादा हम देखने वाले हैं। और प्रेशर कौन सी यूनिट होती है, और वो मिलीमीटर ऑफ एच जी। सो 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 760 टॉर। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, जैसे इसको कई बार ऐसे लिख देता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसमें प्रेशर हम मेजर करते हैं, ठीक है। ये वाली बेसिकली आएगी जब बैरोमीटर पढ़ेंगे, बैरोमीटर का लेक्चर अगला ही लेक्चर है, वहां पे हम इसको देखने वाले हैं बहुत ज्यादा। क्लियर है, लगे हाथ वॉल्यूम के बारे में बात कर लें, क्योंकि भाई फ्लूइड है तो वॉल्यूम की भी बातें बहुत होगी। तो वॉल्यूम की सबको यूनिट वगैरह पता है, लीटर वगैरह होती है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10^-3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1
डेसीमीटर क्यूब, रट के नहीं आया रे मैं, ये सब पढ़ाते पढ़ाते कितनी बार तो आ चुका ये सब, जब से अपन पढ़ रहे हैं। मुंह मत बना, कितना डफ है। 1 लीटर इज 10 to the power, भाई लीटर छोटा होता है कि मीटर क्यूब छोटा होता है? लीटर छोटा होता है, 1 लीटर की बॉटल होती है इतनी बड़ी, ठीक है। और मीटर क्यूब क्या होता है? 1 मीटर का क्यूब, 1 मीटर इतना बड़ा इसका क्यूब, टुक टुक टुक। इस 1 मीटर के क्यूब में 1001 लीटर की बॉटल आएगी, 1 मीटर के क्यूब में 1001 लीटर की बॉटल आएगी, तो कौन बड़ा है? लीटर। 1 लीटर इज 10^-3 meter cube, 10^3 centimeter cube, या 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 decimeter cube। ये अपन गैस के बारे में बहुत पढ़ चुके केमिस्ट्री में, देखते हैं सब, है ना। 22.4 लीटर, 22.4 decimeter cube वगैरह, समझ में आ गया। और क्या आएगा? बस यही सब आ सकता है, ठीक है। तो ये सब यूनिट्स अपन थोड़ा बहुत पकड़ के रखेंगे, चले आगे बढ़े। सब बेसिक बातें समझ में आ गई हैं, बहुत बढ़िया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, बात करते हैं फ्लूइड के अंदर, ठीक है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ वर्टिकली विथ डेप्थ, ठीक है। फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टली भी बात कर लेंगे क्या होता है, है ना। लिक्विड में जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, सबको पता है, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है, सब बहुत बेसिक बात है, रोज ही एज पड़ता है। तो आज उसको जल्दी से डिराइव करें। जब हम फ्लूइड में नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है ना, क्योंकि ऊपर लिक्विड का वेट बढ़ता जाता है। पानी के जितना अंदर जाओगे प्रेशर उतना बढ़ेगा, बहुत डीप सी में जाओगे क्रश हो जाओगे, इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, बहुत प्रेशर रहता है, बहुत बहुत। तो मान लो यहां पे हमने कोई लिक्विड ले रखा है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है। उस लिक्विड की डेंसिटी रो है, ठीक है। और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर रहा है पी नॉट यहाँ पे ऊपर, और हमसे कह रहा है इस जगह पे प्रेशर निकालो, सपोज कर लो यहाँ पे, ठीक है। हमसे कह रहा है यहाँ से एच हाइट नीचे जाके प्रेशर बताओ कितना होगा। यहाँ प्रेशर पी नॉट है, और मान लो इस जगह पे पूछा है इस मेरी प्यारी बिंदु, इस बिंदु पे हमसे प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाएंगे, एक मनगढ़ंत सिलेंडर। अफ्रीका के जंगल में ऐसे मनगढ़ंत सिलेंडर हम बहुत बनाते हैं, और फिर नर मादा से कहता है। तो यहां पे हमने एक सिलेंडर बनाया, उसको जूम करके बाहर निकाल लेते हैं, या जूम 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 करके हमने सिलेंडर को बाहर निकाल लिया। इसका हाइट कितना है h, ऐसे एक मनगढ़ंत सिलेंडर है, इसमें भी पानी भरा है, इसका सरफेस एरिया यहां मान लो a है, यहाँ प्रेशर P नॉट है, यहाँ प्रेशर P है, और डेंसिटी लिक्विड की रो पता है मैं। अच्छा, अब इस फ्लूइड का अगर इक्विलिब्रियम है, इस फ्लूइड का अगर इक्विलिब्रियम है, अगर ये फ्लूइड इक्विलिब्रियम में तो दिख ही रहा है ना, ये फ्लूइड ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है इक्विलिब्रियम पे, मतलब इससे सिलेंडर पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। ये सिलेंडर देखो रुका हुआ है, मतलब ये सिलेंडर इमेजिनरी है, पर इतना पानी इसके अंदर रुका हुआ है, मतलब इस पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है। तो इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी? एक तो ऊपर से लग रही होगी P नॉट इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। एक नीचे से लग रही होगी P इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। एक इसका वेट नीचे की तरफ ऐड कर रहा होगा, वेट W इज इक्वल टू एम जी। ये सारी फोर्सेज मिला के ये इक्विलिब्रियम में होगा, फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया एक वेट, मतलब हम बोल सकते हैं नेट फोर्स जो डाउनवर्ड है वो नेट फोर्स अपवर्ड है। तो डाउनवर्ड क्या क्या है? पी नॉट ए प्लस एम जी इज इक्वल टू पी ए, बोलो सही लिखा है, ये अपवर्ड लग रही है। अच्छा, इसका मास कैसे निकालोगे? देखो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। अब बहुत बार बता चुके हैं ना यार, याद हो गया होगा अब तक। वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट, कैसे? वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ बिकम्स एरिया, एरिया इंटू हाइट। अच्छा, तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, यहां से मास भी आपको मिल गया। सो आप लिख सकते हो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एम जी, एम की जरा वो वैल्यू पुट करो, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, एम की जगह क्या आया है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो ए एच, रो ए एच इंटू जी। तो ए ए ए ए मर जाएगा, ए पी इज इक्वल टू पी नॉट रो जी एच, ये होगा पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच,
कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना इसमें आपको, यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? ड्राइवर ने अच्छे से छोड़ दिया, पी नॉट यहाँ लगा था, फिर फोर्स पी नॉट है यहाँ से पी ए और वेट नीचे एम जी, तो मैंने कहा नेट फोर्स इस पे क्या करो बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लिया। फिर हमने एम की जगह मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, फिर वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट और डेंसिटी मल्टीप्लाई करके कट कट कर किया। अब समझो व्हाट इज दिस पी, पी इज द प्रेशर, पी इज द प्रेशर एट द बिंदु, एट द मेरी प्यारी बिंदु, जो बिंदु आपने यहां लिया है। पी नॉट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, एंड व्हाट इज रो जी एच, इट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ, कॉलम नहीं कॉलम, ऑफ हाइट एच। ये जो रो जी एच एक्स्ट्रा, देखो यहां पे प्रेशर पी नॉट था, यहां प्रेशर उससे ज्यादा है, कितना है पी नॉट प्लस रो जी एच, तो पी नॉट था एटमोस्फियर वाला प्रेशर, यहां तक कॉपी हुआ नीचे तक, यहां लग रहा था वही, लगते 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 यहां आया, साथ में इतने फ्लूइड का प्रेशर भी लगने लगा, इतने फ्लूइड का वेट डिवाइड बाई एरिया रो जी एच, मतलब फ्लूइड की एच हाइट के कॉलम की वजह से किसी पॉइंट पे कितना प्रेशर बनता है उसको हम बोलते हैं रो जी एच, रो जी एच। तो फ्लूइड में एच हाइट नीचे आने पे प्रेशर होता है पी नॉट प्लस रो जी एच। क्लियर है? छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी मुन्नी सी सुंदर सी डेरिवेशन। छाप लिया, टीप लिया, टीपू सुल्तानो, टीपा तुमने। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, तो यहां तक आपको बात समझ में आई कि एच हाइट नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है, कितना बढ़ता है रो जी एच, कितना बढ़ता है रो जी एच, यू डोंट रो, यानी पी इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, एच हाइट नीचे आने पे रो जी एच, और जो प्रेशर ऊपर रहता है वो हम ले लेते हैं। यानी हमसे कोई क्या ग्राफ बनाओ वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट का, तो हम बोलेंगे मतलब विथ डेप्थ या हाइट का, तो हम बोलेंगे प्रेशर हाइट के साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल है। देखो पी की पावर वन एच की पावर वन, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ये अपना वाई इंटरसेप्ट हो गया, ये कितना है पी नॉट, नहीं समझे, पी इज इक्वल्स टू थोड़ा फील देते हैं रो जी एच प्लस पी नॉट, मान लो हमें प्लॉट करना है, तो ये वाई एक्सिस पे आ गया, ये एक्स एक्सिस पे आ गया, तो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका वाई इंटरसेप्ट कितना है देखो पी नॉट, वो वाई इंटरसेप्ट होता है ना सी, और स्लोप कितनी है रो जी, यहां से कोई पूछे इस ग्राफ की स्लोप, स्लोप इज इक्वल्स टू व्हाट टेन थीटा, इट इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी रो जी, तेज तो नहीं हो रहा, तो प्रेशर वर्सेस हाइट का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहां पे काटा ये इनिशियल प्रेशर है, एच हाइट ऊपर का प्रेशर है, और धीमे धीमे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है स्लोप रो जी है। क्लियर है इतनी बातें, क्लियर है? अच्छा, इसको एक और तरह से देख सकते हो, पी इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, इसको जरा ऐसे फील करो, फील करते जाओ, इसी पे तो आज खेलना है पूरा हम लोगों को खेल। मान लो हाँ इसमें फ्लूइड है, पता नहीं कहाँ तक गया, ठीक है, मान लो इस जगह पे प्रेशर है पी वन, इस जगह पे प्रेशर है पी टू, और इनके बीच में हाइट है एच, तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं पी टू इज इक्वल्स टू पी वन प्लस रो जी एच। फील है? मैंने दो पॉइंट उठा लिया फ्लूइड में, एक यहां पे उठा लिया, यहां पे पी वन, यहां पे पी टू, तो एच हाइट नीचे आने पे कितना हो जाएगा पी वन प्लस रो जी एच, यहां का प्रेशर यहां तक कॉपी होगा, साथ में इतने फ्लूइड का प्रेशर, यानी हम बोल सकते हैं पी टू माइनस पी वन इज इक्वल्स टू रो जी एच, यानी हम बोल सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल्स टू रो जी एच, ठीक है? तो कभी ये मत कहना फ्लूइड का प्रेशर रो जी एच होता है, चेंज इन प्रेशर, एच डेप्थ नीचे आने पे चेंज इन प्रेशर होता है कितना रो जी एच, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू रो जी एच। क्लियर है? इसको कई बुक में बड़े खूबसूरत से लिखा होता है कि मान लीजिए यहां प्रेशर पी वन, यहां प्रेशर पी टू, और हम एच नहीं, हम वाई हाइट नीचे आए, वाई हाइट नीचे आए, और वाई को भी वो लिखते हैं कि हम डी वाई हाइट नीचे आए, डी वाई हाइट नीचे आए, तो क्या हम लिख सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू रो जी डी वाई, क्योंकि डी वाई हाइट नीचे आए तो प्रेशर का चेंज भी बहुत छोटा सा, तो उसको क्या हम लिख सकते हैं डी पी
dp is equals to rho g dy. लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. कई लोग इसमें उठा के माइनस भी लगा देते हैं. क्यों माइनस लगा देते हैं? वो बोलते हैं जब y बढ़ता है तो dy बढ़ता है तो प्रेशर घटता है. जब y बढ़ता है यानी हाइट बढ़ती है तो dy बढ़ता है और प्रेशर घटता है. कहने की बात है, मीनिंग समझ में आ गई. सब समझने की कोई जरूरत नहीं है, सब है ना, ऐसी कोई बात नहीं है. लॉजिक जो थी वो आपने पकड़ ली है कि भाई h हाइट नीचे आओगे, h डेप्थ नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा. कितना? रो जी एच. एक तो वहां का प्रेशर प्लस रो जी एच. क्लियर 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 क्लियर. अब देखो इस पे सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं. चलो एक काम करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल लेवल की भी बात कर लेते हैं. वर्टिकली विद डेप्थ हो गया, वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली अभी हमारे फ्लूइड स्टैटिक है, एकदम रुके हुए हैं. ठीक है, अभी इन्हीं फ्लूइड को चलाना भी है, पानी को, है ना, मतलब पानी गिरा, इन्हीं फ्लूइड को चलाना भी है वेसल के साथ, चुर धक्का दे देंगे. मान लो ये एक पाइप है, इसमें पानी है और स्टैटिक है, अभी फ्लो नहीं कर रहा है ना. मान लीजिए हमसे प्रेशर कहा बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट निकालो, तो ठीक है हम यहाँ पे इमेजिनरी सिलेंडर बना लेंगे. पहले ही एक सिलेंडर बना हुआ था, खैर कोई दिक्कत नहीं. अब सही है. मान लीजिए हमको कोई दो पॉइंट दिए जो सेम लेवल पे हैं, हॉरिजॉन्टली बोला है ना, वर्टिकली तो समझ गए, नीचे आने पे रो जी एच. हॉरिजॉन्टली मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, ए और बी, वन और टू. तो हमसे कहा इनके बीच में प्रेशर वेरिएशन कितना है, तो हमने कहा एक काम करते हैं यहाँ पे इमेजिनरी सिलेंडर बनाते हैं. ठीक है, इधर सिलेंडर का प्राइस बढ़ रहा है, अपन तो सिलेंडर ये ले एक के बाद एक बना रहे. मान लो इस जगह पे प्रेशर पी वन है, इस जगह पे प्रेशर पी टू है, इसका एरिया मान लो ए है, तो इधर से फोर्स लगेगी पी टू ए, इधर से फोर्स लगेगी पी वन ए. वेट की बात मत करो, वेट की फोर्स कैसी लग रही है, वर्टिकली, उसका हॉरिजॉन्टल फोर्स से कोई लेना देना नहीं. इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है फ्लूइड का, नेट एक्सेलरेशन कितना है फ्लूइड का, नेट एक्सेलरेशन इस टाइम जीरो है, रुका हुआ है. सो इसके ऊपर जितनी पी टू ए फोर्स लग रही है उतनी ही पी वन ए फोर्स लगेगी, ए से मर जाएगा, पी टू इज इक्वल्स टू पी वन. हाँ, बात समझ में आ रही है, मतलब हॉरिजॉन्टली प्रेशर रिमेन्स सेम एट ईच पॉइंट इन इन नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड. ये बात बोलनी जरूरी है. किताब में सीधा सीधा लिखा होता है प्रेशर एट ईच पॉइंट ऑफ अ फ्लूइड ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन इज सेम. नहीं, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होगा, पर किसके लिए, फॉर अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है. कहीं पे भी मान लो मैं यहां पे एक लाइन खींच दूं, तो यहां 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 सबका प्रेशर सेम होगा. मैं यहां एक लाइन खींच दूं, अब प्रेशर सेम नहीं होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम. यहां तो भाई नीचे आओगे प्रेशर चेंज होगा. मैं ऐसे एक लाइन खींच दूं तो यहां 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 सबका प्रेशर क्या होगा, सेम, प्रोवाइडेड नॉन एक्सेलरेटेड. बढ़िया, मजा मां, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. जरा मुझे एक प्यारा सवाल बताओ. इसमें फ्लूइड है एच हाइट तक, ओके, और यहां प्रेशर है मान लो पी वन, तो यहां प्रेशर कितना होगा, तुम बोलोगे पी टू प्लस रो जी, सॉरी पी वन प्लस रो जी एच, P1 प्लस रो जी एच. अब मुझे बताओ अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं, रिंगा रिंगा रो जी एच, टीयू टीयू, अभी भी इसकी टोटल हाइट h है, यहां प्रेशर P1 है, अब की बार नीचे प्रेशर कितना होगा, सेम होगा कि डिफरेंट होगा, आंसर है सेम होगा. P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच. प्रूफ कर सकते हैं ये बात, प्रूफ कर सकते हैं, कैन यू प्रूव इट, बड़ा आसान है. देखो एक काम करते हैं, हम दो सिलेंडर बना लेते हैं, ये प्रथम सिलेंडर ठीक है, फिर एक सिलेंडर ये बना लो, तीन सिलेंडर, एक और सिलेंडर, तीन सिलेंडर बना लिया. यहां प्रेशर पी वन है सबसे ऊपर, ये मान लो हाइट है अपनी पहली वाली एच वन, और ये वाली हाइट मान लो अपनी है H2, दो हाइट में डिवाइड कर दिया. यहां प्रेशर P1, यहां कितना होगा P1 प्लस रो जी H1, अग्रीड, जितना प्रेशर यहां
उतना प्रेशर यहां, यहां पे भी P1 plus rho G H1, क्यों? क्योंकि ये दोनों किस पे हैं? सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे। मैंने कहा यहां P1 तो यहां P1 plus rho G H1, तो यहां P1, फिर यहां से यहां कितना नीचे आया H2, यहां से यहां नीचे H2 आया, तो प्रेशर कितना होगा? P1 plus rho G H1 तो था, कितनी हाइट नीचे आया H2, तो rho G H2, सही है? P1 था यहां आके P1 plus rho G H1, यहां हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम, फिर यहां प्रेशर ये, फिर कितना नीचे आए, समझ में आ रहा है ना बात मेरा, यहां प्रेशर ये, फिर H2 नीचे आए तो rho G H2, तो यहां से P1 plus rho G common H1 plus H2, P1 plus rho G common H1 plus H2 will become H, so वही तो आ रहा P1 plus rho G H, यानी शेप ऑफ वेसल से कोई अफेक्ट, इट इज नॉट इफेक्टेड, शेप ऑफ वेसल से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, अपन को सिर्फ मतलब है हाइट से, अपन को मतलब है सिर्फ हाइट से, अपन को मतलब है सिर्फ हाइट से, शेप ऑफ वेसल से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्लियर है? तोड़ मोड़ के जाए जैसे भी जाए, हमेशा वर्टिकल हाइट रखना। फिर से P2 is equals to P1 plus rho G H में H always should be vertical height, बीच में curve verb हो रहा है उसको हमें देखना नहीं है, क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने देखा कि H height नीचे आने पे प्रेशर rho G H बढ़ता है, horizontal level पे प्रेशर सेम रहता है, बहुत बढ़िया। चलिए आपको मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, कुछ प्यारे प्यारे सवाल देता जाता हूं। मान लो यहां पे टिंग 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 टिंग, मान लो इसमें h हाइट तक कोई फ्लूइड भरा हुआ है, यहां प्रेशर p1 है, यहां प्रेशर पूछ रहा है, और मान लो टुरम टुरम टू टुरम टुरम टू टुरम टुरम टू, इसमें भी h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, यहां प्रेशर p1, यहां प्रेशर पूछ रहा है, इसको मैंने a बोला, इसको मैंने b बोला, मान लो एक लास्ट ऐसा टुरम टुरम टू टुरम, ऐसे बहुत से क्वेश्चन कराऊंगा अभी दो तीन, टुरम टुरम टू सर आप ये आवाजें निकालते हो ये इरिटेट करती है, इसको आप बंद कर दो, बंद कर दो सर, आप इसको सर सर बात मानो सर, सर बंद कर दो सर इसको, अरे सर बंद करो प्लीज। तो ए बी सी, यहां प्रेशर मान लो पी ए, यहां प्रेशर मान लो पी बी, यहां प्रेशर मान लो पी सी, पीके नहीं है, अब बताओ क्या होगा? पीए, सारे फ्लूइड सेम है, फ्लूइड इज सेम, डेंसिटी रो डेंसिटी रो डेंसिटी रो, फ्लूइड सब में सेम है, सब में फ्लूइड एच हाइट तक है, सब में फ्लूइड एच हाइट तक है, इस जगह पे प्रेशर मान लो पूछा है हमसे पीसी, इस जगह पे प्रेशर पूछा है पीबी, और इस जगह प्रेशर पूछा है पीए, अब बताओ क्या होगा? ऑप्शन PA is greater than PB greater than PC, क्या होगा बोलो? ऑप्शन बी पी सी ग्रेटर देन पी बी वगैरह वगैरह, क्या है? मैंने कहा ना शेप से फर्क नहीं पड़ता, वर्टिकल हाइट तीनों की एच एच एच, वर्टिकल हाइट तीनों की एच एच एच, तीनों में पड़ा हुआ फ्लूइड भी सेम, सो प्रेशर विल बी सेम, तो PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, फ्लूइड देख लेना सेम है कि नहीं, है ना? मिटा दे, ये नहीं कि प्यार में अंधे हो गए एकदम, है ना? अब इसी पे एक दूसरा सा बहुत प्यारा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि थ्री वेसल्स हैविंग इक्वल बेस एरिया आर फिल्ड विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम फ्लूइड, ठीक है? तो मैं बता देता हूं, तीन वेसल है, एक ये वेसल है, एक ये है वेसल, और एक ये है, ए बी सी, इसमें इक्वल वॉल्यूम डाला सेम फ्लूइड का, यहां प्रेशर पी ए, यहां पी बी सॉरी, और यहां प्रेशर पी सी, अब वही चार ऑप्शन है, क्या क्या होगा? पी ए ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी सी वगैरह वगैरह, है ना? या
हमारा हो जाएगा क्या, अगला ऑप्शन पी सी ग्रेटर देन पी ए ग्रेटर देन पी बी, ठीक है, यह हो गया हमारे पास पी बी ग्रेटर देन पी ए ग्रेटर देन पी सी, ठीक है, यह हो गया हमारे पास पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। तो जरा सोच के बताना क्या होगा, तीनों में सेम फ्लूइड डाला है, तीनों का बेस एरिया सेम है और तीनों में इक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डाला है। चलिए पॉज करके सोच लीजिए। सोच लिया, ओके, बताएं बेस एरिया इक्वल है और इक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डाला है, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। सिर्फ बेस एरिया इक्वल है, उसके बाद इसका एरिया देखो लगातार बढ़ रहा है और इसका एरिया घट रहा है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें फ्लूइड यहां तक आया, तो इसका एरिया देखो लगातार बढ़ रहा है, एरिया बढ़ेगा मतलब कम हाइट तक वॉल्यूम बनेगा, है कि नहीं भाई, सेम वॉल्यूम इसमें भी जाना है। मान लो इसमें एक लीटर पानी, इसमें एक लीटर पानी, इसमें एक लीटर, तो इसमें एरिया लगातार कॉन्स्टेंट है, इसमें एरिया बढ़ता जा रहा है तो हाइट कम होगी, और इसमें एरिया लगातार घट रहा है तो हाइट ज्यादा होगी, क्लियर है। तो सबसे ज्यादा हाइट किसमें है, सी में, सबसे मैक्सिमम प्रेशर सी में आएगा, फिर ए में आएगा, फिर बी में, तो पी सी ग्रेटर देन पी ए ग्रेटर देन पी बी, ऑप्शन बी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। यहां देखो एरिया लगातार घट रहा था तो एरिया कम हो रहा है तो ज्यादा हाइट तक जाना पड़ेगा उतना ही वॉल्यूम पानी डालने के लिए, पानी या कोई भी फ्लूइड, मिटा दे, ओके। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग सवाल आते हैं, एक दो और दिखा देता हूं आपको। जैसे देखो एक और कंफ्यूजिंग बड़ा प्यारा सवाल बनता है, क्वेश्चन सेम ऐसा ही होगा कुछ कुछ। थ्री फ्लूइड्स ए बी सी आर पोर्ड इन थ्री सिमिलर वेसल्स, ये लिख लो ऐसे, इक्वल मास ऑफ थ्री फ्लूइड्स, इक्वल मास ऑफ थ्री लिक्विड्स लिख लेते हैं, चलो ए बी सी आर पोर्ड इन थ्री सिमिलर वेसल्स इफ रो ए ग्रेटर देन रो बी ग्रेटर देन रो सी, डेंसिटी की बात कर रहे हैं, फाइंड तीन एकदम सिमिलर वेसल्स हैं ये, एक में हमने ए फ्लूइड डाला, एक में हमने बी डाला, हमको पता नहीं हाइट में बना नहीं रहा हूं ऐसी रैंडमली मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, हाइट कुछ भी हो सकती है मुझे नहीं पता, एक में सी डाला, यहां फिर से प्रेशर पी ए, यहां प्रेशर पी बी, यहां पे प्रेशर पी सी, वही चार ऑप्शन है पी ए ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी सी वाला है, पी ए ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी सी, सेकंड ऑप्शन पी सी ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी ए, थर्ड ऑप्शन पी सी ग्रेटर देन पी ए ग्रेटर देन पी बी, और फोर्थ ऑप्शन अपना वही पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। डेंसिटी अलग अलग है, तीनों के वॉल्यूम कितना डाला ये नहीं बता रहा, इस बार वॉल्यूम बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या बोला, इक्वल मास ऑफ थ्री लिक्विड्स ए बी सी और तीन सिमिलर वेसल में डाला है, तो अब बताओ कि किसमें प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। सोचने वाली बात, किसमें लग रहा, मास की बात की है, पॉज करके सोचो। देखो वैसे तो बड़ा आसान है, बता दूं मैं, कर लिया ट्राई, क्या लग रहा, ये वाला, ये करेक्ट है, ठीक है, लास्ट वाला, तीनों में प्रेशर सेम होगा, वैसे तो बहुत आसान है, देखो तीनों में क्या है, इक्वल मास, यानी मान लो इसमें जो लिक्विड है उसका मास m, इसमें जो लिक्विड है उसका मास m, इसमें जो लिक्विड है उसका मास m, भले ही हाइट अलग अलग है, अरे हाइट अलग है तो डेंसिटी भी तो अलग है, नहीं समझे, जैसे नीचे प्रेशर कितना होगा p नॉट, जो यहां पे होगा एटमॉस्फेरिक सब में सेम होगा, p नॉट p नॉट p नॉट प्लस रो जी एच, देखो तीनों का रो भी अलग एच भी अलग, रो भी अलग एच भी अलग तीनों के लिए। अच्छा इसको एक काम करो, एरिया से मल्टीप्लाई एरिया से डिवाइड कर दो, थोड़ा बात समझो, थोड़ा फील समझो, P इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस, अब देखो रो इंटू ए एच इंटू जी अपॉन ए,
ए इंटू एच क्या बन गया, वॉल्यूम। सबका वॉल्यूम अलग अलग मैं मान रहा हूं, किसी की हाइट कुछ है, किसी की हाइट, सबकी डेंसिटी भी अलग अलग है, मतलब ये वॉल्यूम बन गया, ये वॉल्यूम बन गया, ये डेंसिटी है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या बन गया, मास। अब यहां से बताओ क्या तीनों में प्रेशर सेम नहीं होगा, पी नॉट तीनों के लिए सेम, एरिया तीनों के लिए सेम, जी तीनों के लिए सेम, और मास तीनों में सेम है, इक्वल मास ऑफ, यहां पे मास एम, मास एम, मास। बहुत आसान था, देखो यहां प्रेशर बनता क्यों है, इस फ्लूइड के वेट की वजह से। यहां प्रेशर बनता क्यों है, इस फ्लूइड के वेट की वजह से। प्रेशर बनता क्यों है, प्रेशर बनता है पी नॉट की वजह से प्लस वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय एरिया। वेट क्या होता है, एम जी। क्लियर है, तीनों में हाइट अलग अलग है पर डेंसिटी भी तो अलग अलग है। इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा थी तो यहां पे फ्लूइड सबसे कम हाइट तक रहा, इसकी डेंसिटी उससे कम तो थोड़ा ऊपर गया, इसकी डेंसिटी सबसे कम तो सबसे ऊपर गया, क्योंकि रो इंटू एच ये मिला के ही तो कहीं ना कहीं मास बन रहा, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया ना। बात समझ में आ रही, ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो रो इंटू ए एच इंटू जी अपॉन ए। अब ये वॉल्यूम हो गया, ये डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या बन गया, मास। अब m तो सबके लिए सेम है भले ही रो और एच अलग अलग था। ऐसे समझ लो यहां पे प्रेशर किसकी वजह से, पी नॉट की वजह से, और इस फ्लूइड का वेट अपॉन एरिया, तो वेट इज mg / m, तीनों के लिए सेम। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। जैसे यहां पे दिखा था इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, तो इसमें सबसे कम हाइट, इसमें सबसे ज्यादा हाइट, पर ये भी तो देखो कि फ्लूइड सेम है कि नहीं, फ्लूइड भी तो तीनों में डिफरेंट था। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं, बहुत। जैसे ये देखो, एक सिफोन ट्यूब का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, श्री एच सी वर्मा किताब का है, क्या देते हैं वो, सवाल है नहीं वो, एक बहुत प्यारा सवाल था, चलिए कोई बात नहीं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हमसे बोला, मान लो ये एक वेसल है और इस वेसल में हमने कोई फ्लूइड भर दिया। अब हमको तीन पॉइंट देता है, एक पॉइंट यहां ए, एक पॉइंट यहां बी, एक पॉइंट यहां सी। मान लो ये हाइट एच है, ये हाइट एक्स है और ये हाइट भी एक्स है। इसमें सेम फ्लूइड है, सेम वेसल है। हमसे बोला है यहां प्रेशर पी ए, यहां पी बी, यहां पी सी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पी ए इज ग्रेटर देन पी बी इक्वल टू पी सी, ऑप्शन बी। पी बी इक्वल टू पी सी इज ग्रेटर देन पी ए, ऑप्शन सी। पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, ऑप्शन डी। पी ए ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी सी, मान लो ऐसा हमसे बोलता है। अब आपको बताना है कि कहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा, कहां पे इक्वल, या जो भी है, कैसे कैसे डिसाइड करें। बड़ा प्यारा सवाल है। तो क्या लग रहा है, कर लिया, कर लो, पॉज करके कर लो। यहां पे दिख रहा है सबसे ज्यादा हाइट है तो पीए का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। पीए क्या होगा बोलो, यहां प्रेशर कितना है, पी नॉट, तो पीए हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी एच। यहां x हाइट है, यहां x, इन दोनों में इतनी हाइट नहीं है, तो पी ए सबसे बड़ा होगा और पी बी पी सी के लिए हाइट सेम है तो बराबर, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज रॉन्ग। करेक्ट इज बी, विच इज अगेन रॉन्ग। करेक्ट इज सी, ये सही है। पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। आप बोलोगे सर क्यों, क्यों सर क्यों, स्टैटिक फ्लूइड, सेम फ्लूइड, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर हर जगह सेम होगा। अगेन स्टैटिक है, रुका हुआ फ्लूइड है, सेम फ्लूइड है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है। मैंने बोला था किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर रुके हुए फ्लूइड में क्या होता है, सेम, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। आई नो अभी लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे आपकी, क्यों इस तरह समझ में आ गया कि हाँ ठीक सर, माना कि फ्लूइड रुका हुआ है और तीनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, इसलिए
तीनों पे प्रेशर सेम आ रहा सर मानते हैं, पर सर हमें पर्सनली ऐसा फील होता है कि इस पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि आप बता रहे हो कि नीचे आने पे रो जीएच बढ़ता है, यहाँ पी नॉट है, यहाँ प्लस रो जीएच, सर इसकी हाइट सबसे ज्यादा, ये तो आप भी मान रहे हो। ठीक है, इस जगह पे देखो प्रेशर के सिवा, एटमोस्फेरिक प्रेशर के सिवा कोई और फोर्स लगाने वाला नहीं है, मतलब यहां पर देखो ये स्लांटेड ये दिख रहा है ऐसा, ये लिक्विड के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऐसे, झुका हुआ है लिक्विड ऐसे पुश कर रहा है कि नहीं, ये नॉर्मल रिएक्शन भी तो इधर एक प्रेशर बनाएगा, ये जो लिक्विड पे ये दबा रहा है ऐसे करके, देखो ऐसे लिक्विड दबा हुआ है इसमें, ये ऐसे झुका हुआ है ऐसे दबा रहा है, इस नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट भी तो नीचे एक प्रेशर बनाएगा, जैसे यहां पे देखो ये ऐसे है, यहां पे मान लो फ्लूइड है, तो फ्लूइड के ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन ही लगा रहा क्या, टिक टिक, और इस नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट जो सी पे लग रहा वो एक्स्ट्रा प्रेशर बना देगा, और इतना बना देगा कि इसका प्रेशर इसके बराबर हो जाए। क्यों बनाएगा सर, उसको ऐसे क्यों पड़ी है, क्या यहां पे फ्लूइड कहीं से कहीं फ्लो कर रहा, फ्लूइड कब फ्लो करता है, जब प्रेशर का डिफरेंस हो, अगर यहां प्रेशर ज्यादा होता तो लगातार पानी यहां से इस तरफ ऐसे फ्लो कर रहा होता, पर ऐसा नहीं हुआ, तीनों जगह लेवल क्या है सेम, लिक्विड फ्लोस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, पर यहां पे लिक्विड का फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब तीनों पॉइंट का प्रेशर क्या है सेम है, कभी भी प्रेशर डिफरेंस होगा तो फ्लूइड फ्लो करने की कोशिश करेगा, पॉइंट क्लियर है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से इन दोनों पॉइंट को भी एक्स्ट्रा प्रेशर मिल गया जिसकी वजह से काम बन गया। मुझे पता है नॉर्मल रिएक्शन वाली कहानी इतनी फील नहीं होती, तो मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन का, मिटा दें लॉजिक तो समझ में आ गई है, थोड़ा फील नहीं मिल रहा, तो फील के लिए अगला क्वेश्चन जो कि बेस्ड है नॉर्मल रिएक्शन के कंसेप्ट पे। चलो सब लोग मेरे साथ कैलकुलेशन भी करेंगे, इसमें प्यारा सा सवाल है, ठीक है, श्री डीसी पांडे किताब का क्वेश्चन क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर 1 लीटर वॉल्यूम का, ठीक है, कितना वॉल्यूम 1 लीटर वॉल्यूम का, हैज हाइट 10 सेंटीमीटर, बेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टॉप एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, यहां का एरिया हमको बोल रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां का एरिया हमको बोल रहा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, कितना पानी भरा है इसमें 1 लीटर पानी भरा है, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर इसमें भरा हुआ है, ठीक है, चलो ठीक, अच्छा फिर और क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर सबको पता है 10^3 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी वगैरह में टेंशन तो नहीं है, डेंसिटी वगैरह समझ में आती है, रिलेटिव डेंसिटी आती है, रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं होता, जैसे वाटर की डेंसिटी को हम लिखते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, अब वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करके किसी की डेंसिटी बता दे तो उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, जैसे हम बोले RD ऑफ अल्कोहल इज 0.8, कुछ नहीं, इसका मतलब अल्कोहल की डेंसिटी वाटर से कंपेरिजन में 0.8 है, मतलब अल्कोहल की डेंसिटी कितनी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही आरडी का मतलब, इसको तुमको केजी पर मीटर क्यूब में करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ऐसा ही यूनिट भी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 800 kg/m³। जैसे हम आपसे बोले आरडी, छोटा सा टॉपिक समझ लो, आरडी ऑफ मरकरी बहुत आता है ना, 13.6 है, कुछ नहीं, इसका मतलब मरकरी पानी से 13.6 गुना भारी है, मतलब मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 13600 केजी पर मीटर क्यूब, पानी से ज्यादा भारी है, ठीक है, आरडी समझ में आ गया, आरडी क्या है, कुछ नहीं है, डेंसिटी है, डेंसिटी की वो वैल्यू जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में थी, इसी को आरडी बोल देते हैं, ठीक है, तो आरडी देकर समझ जाओगे ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली डेंसिटी को हम आरडी बोल देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सो डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, और कुछ देना है इसमें,
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे लग रहा है, तो इन्होंने बोला 1 atm इज इक्वल्स टू 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सवाल क्या है, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द फोर्स ऑन बॉटम ऑफ ग्लास बाय, बस फाइंड द फोर्स ऑन बॉटम ऑफ ग्लास। सेकेंड पॉइंट, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था बाय साइड्स ऑफ ग्लास। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन क्या करता हूं, फाइंड द फोर्स ऑन वॉटर बाय साइड्स ऑफ ग्लास, साइड्स की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। दो पार्ट है, ट्राई जरूर करिए इस क्वेश्चन को, कोशिश करिए, हिलेगा थोड़ा बहुत तो हिलेगा, है ना। पहला पार्ट तो कम से कम आ जाए, पहले पार्ट का आंसर आएगा चाहिए आपका 102 न्यूटन। देखिए पहले पार्ट का आंसर आया आपका, कम से कम वो तो आ जाए। चले दूसरे पार्ट का आंसर 211 न्यूटन, अगर दोनों आ गया तो बहुत बधाई हो, 102 और करीब करीब 211 आना चाहिए न्यूटन न्यूटन, ठीक। साइड्स इस पे फोर्स लगाएंगे ना, समझ में तो आ ही रहा होगा कैसी फोर्स लगाएंगे, ये पानी भरा हुआ है, कहीं पे भी देख लो, यहां पे देख लो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, तो ये फोर्स लगा रही हूं ऊपर की तरफ ना, यही पूछ रहा है कितनी है, फील हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो वही पूछ रहा है। आइए देखते हैं पहला पार्ट, फोर्स ऑन बॉटम ऑफ ग्लास। बच्चों यहां पे फोर्स पूछ रहा है, तो उसके लिए यहां पे प्रेशर मिल जाए तो काम बन जाएगा। यहां प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, कितनी हाइट नीचे है पानी, 10 सेंटीमीटर, तो यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, बोलो सही है। सो इट विल बी हाउ मच, पी नॉट कितना है, यहां पे प्रेशर निकाल रहा हूं मैं, प्रेशर मिल जाएगा तो फिर फोर्स, सॉरी फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया कर देंगे अपन। सो पी नॉट कितना है, 1.01 × 10⁵ प्लस रो इज 10⁻³, जी को 10 ले लेते हैं, एच कितना दे रहा, 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लो, 10/100, सो कितना हो जाएगा, ये 0000 मर गया, सो दिस इज हाउ मच, 10⁻³ कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 + 1.01 × 10⁻² सही लिख रहा हूं, सो 10⁻³ 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 101 102, तो 102 × 10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर है यहां पे। फोर्स निकालना है, प्रेशर इनटू एरिया, सो फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ ग्लास, यहां पे फोर्स कितनी होगी, प्रेशर इनटू एरिया, यहां का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया लगा दिया, 102 × 10³, एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करो, कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁴, तो 10 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सो 10 × 10⁻⁴, है ना, ऐसा ही यूनिट में आंसर चाहिए अपने को ना, तो ये हो गया 10⁻³, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सही है, 10⁻³, 10⁻³ कैंसिल, 102 न्यूटन, तो फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ ग्लास कितना है, 102 न्यूटन, यहां पे कितनी फोर्स लगा रहा नीचे, 102 न्यूटन, ये वाला क्लियर हो गया होगा सबको, प्रेशर निकाला पी नॉट प्लस रो जी एच से, और फिर फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑन वॉटर बाई साइड्स ऑफ ग्लास, आइए सेकेंड पार्ट को भी डील करते हैं, इसको मिटा दें, ओके आइए लेट अस डील द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो सेकेंड पार्ट के लिए हमें पूरा एफबीडी चाहिए होगा, कंप्लीट एफबीडी। मैं काम करता हूं इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस देखता हूं, एक ऊपर से फोर्स लगेगी पी नॉट इन टू ए, वॉटर की एफबीडी देख रहा हूं क्योंकि फोर्स ऑन वॉटर पूछ रहा है इस बार, पिछली बार फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ ग्लास था, तो वाटर पे ऊपर से पी नॉट इनटू ए, एक नीचे से वाटर पे फोर्स लगेगी, वाटर की बात कर रहा,
जितनी फोर्स वाटर यहां पे लगा रहा उतनी फोर्स पलट के ये लगाएगा, पी ए इक्वल एंड अपोजिट, समझ में आ रहा है। इस जगह भी देखो वाटर ग्लास पे कितनी फोर्स लगा रहा है, पी ए, तो ग्लास पलट के कितनी फोर्स लगा देगा, पी ए। और कौन सी फोर्स है, वेट ऑफ वाटर जो कि नीचे लगेगा, और कौन सा है, और है जो साइड ग्लास के फोर्स लगा रहे होंगे, है ना। यहां छोटा सा डायग्राम बना के फिर से क्लियर कर देता हूं क्या बोल रहा मैं, बहुत ही फोर्स है, इसको मिटा दे। आओ देखो कि ये बनाया मैंने ग्लास, समझो एक फोर्स यहां से लगी वाटर पे पी नॉट है, अब वाटर बेस पे पी ए लगा रहा तो बेस भी पलट के वाटर पे कितना लगा देगा, पी ए, जिसकी वैल्यू हमें पता है 102 न्यूटन है। फिर वाटर का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वेट ऑफ वाटर एम जी। फिर साइड्स भी कुछ फोर्स लगाएंगी, तो मान लेते हैं साइड्स मिला के दोनों साइड्स मिला के मान लेते हैं ऊपर की तरफ फोर्स, साइड की फोर्स देखो ऊपर लग रही है, हॉरिजॉन्टल वाली कैंसिल हो जाएगी, मान लो इसने ऐसे लगाया तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर, इसका इधर कैंसिल, इसका वर्टिकल वर्टिकल ऐड होके ऊपर, यहां से भी लगेगा, देखो इंटीग्रेट वाली कहानी, यहां 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 सब जगह नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऐसे ही बनेगा ना इसमें कि नीचे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। तो जितने भी नॉर्मल रिएक्शन सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, वर्टिकल ऐड हो रहा है, तो मान लेते हैं नेट फोर्स अपवर्ड लगा रहा एफ, और यही निकालनी है शायद, फाइंड द फोर्स ऑन वाटर बाय साइड्स ऑफ ग्लास। तो मैंने वाटर का पूरा इक्विलिब्रियम देखा कितने फोर्सेस के ड्यू टू है, ऊपर से पी नॉट है, नीचे से वाटर ने इस पे लगाई पी है, तो इसने भी पलट के लगा दिया, नॉर्मल रिएक्शन जैसा समझ लो, पानी पे लग रहा पी है, वेट ऑफ वाटर नीचे एक्ट कर रहा होगा, और साइड्स जो ये फोर्स लगा रही इसका हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो रहा, वर्टिकल ऐड हो रहा। आइए तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 102 न्यूटन, आइए ऊपर वाली फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, सब इसी हो जाएगा, पी ए पी नॉट ए, तो पी नॉट ए की वैल्यू कितनी होगी, पी नॉट कितना था 1.01 इंटू 10^5 और एरिया कितना है, ये वाला एरिया लेना होगा पी नॉट ए में, एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस बोथ एरिया और ऑल्सो डिफरेंस, इसको ए डैश कर लेते, तो 30 × 10^-4 सही है, मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया, सो 10^-4 × 10^5 तो 10 बचेगा इसको इससे, तो 10.1 × 30 बोल सकते हैं, इसे कैंसिल, तो 3 × 1 = 30 303 न्यूटन, तो ये ऊपर से फोर्स लगा रहे 303 न्यूटन की, सही है 1.0 × 10^5 बचेगा 10 और इससे 10.1 हो गया था 30, ठीक है। अच्छा चलो और कोई फोर्स, वेट ऑफ वाटर, वेट निकालना पड़ेगा, W इज इक्वल्स टू एम जी, मास ऑफ वाटर दिया कहीं, अ ग्लास ऑफ वाटर कितना है 1 लीटर, डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी दिया है, तो मास को आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, इसको मीटर क्यूब में चेंज करो, 1 लीटर में 10^-3 मीटर क्यूब, डेंसिटी कितनी दी थी 10^3 kg पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू अपन कितनी रख लेंगे, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं 10^-3, डेंसिटी 10^3 kg, और जी कितना ले लेंगे 10, ये कैंसिल हुए, मीटर क्यूब भी कैंसिल हुए, मतलब कितना आया 10, सो वेट इज 10 न्यूटन, तो ये फोर्स भी मिल गई मेरे को 10 न्यूटन। अब एफ निकाल सकते हो, बहुत आसान है, नीचे की नेट फोर्स कितनी है, नीचे फोर्स है 303 न्यूटन की, नीचे फोर्स है ये वेट वाली 10 न्यूटन की, ऊपर फोर्स है 102 न्यूटन की, और ऊपर फोर्स है एफ, सारी फोर्सेस बराबर कर दी जितनी ऊपर और जितनी नीचे, पानी पे देखा हमने, पानी किसमें है इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक रुका हुआ है, यहां से एफ की वैल्यू मिल जाएगी, एफ इज इक्वल टू 303 + 10 313 - 102 3 - 2 = 1 - 0 - 1 3 - 1 211 न्यूटन इज द आंसर। अब फील हो गया नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाता है ग्लास, क्यों लगा रहा है, ये भी समझ में आ गया, नहीं लगाता तो देखो वाटर इक्विलिब्रियम में नहीं था, मान लो ये फोर्स नहीं होती, भूल जाओ इसको, तो ऊपर से फोर्स लग रही थी 303, नीचे से 102 और वेट इतना, मतलब बैलेंस नहीं हो रहा था, नीचे की फोर्स ज्यादा हो जाती, देखो 303 ऊपर सिर्फ कितनी होती है 102 और नीचे बहुत ज्यादा होती 303 और 10 313, तो पानी को तो नीचे गिर जाना चाहिए था तोड़ के, पर नहीं गिर रहा क्योंकि साइड्स ने भी कुछ फोर्स लगा रखी है, तो साइड्स से फोर्स अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालने को बोलेगा तो कर लोगे क्वेश्चन, क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको लिक्विड का इक्विलिब्रियम बनाना है और उसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस देखनी, क्लियर है, बहुत बढ़िया।
फील हो गया इससे नॉर्मल रिएक्शन वाली कहानी भी, बहुत अच्छे। तो यार इस तरह की बातें कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या करने वाले हो जरा ये देख लो। नेक्स्ट लेक्चर में मान लो हमसे बोलता है कि इस वेसल में फ्लूइड है और ये वेसल ए एस्केलरेशन से आगे जा रही। अब इस वेसल के किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के दो पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं होगा, हमें यह पढ़ना है। अभी तक हम पढ़ रहे थे फ्लूइड में कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ तो प्रेशर हर पॉइंट पे सेम, पर अगर यही फ्लूइड ए एस्केलरेशन से भागने लगा तब प्रेशर हर जगह सेम नहीं होगा। चलिए आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देके जाता हूं, देखते हैं कौन कर पाता है अगले लेक्चर के आने से पहले वो भी। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है और इसकी साइड है L और इसकी ये साइड है L और ये क्यूबिक है, ये क्यूब में फ्लूइड भरा है और इसकी ये साइड भी है L, तीनों साइड L है, L L और डेप्थ में भी कितना है पीछे, पीछे डेप्थ में भी L है। ठीक है, इस क्यूब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस क्यूब में पूरा पानी भरा है अंदर तक। अच्छा, फिर इस क्यूब को हमने ए एस्केलरेशन से इधर भगाया, इस क्यूब को हमने ए एस्केलरेशन से इधर भगाया, जिसकी वजह से आप ग्लास में जब पानी लेके ग्लास को ऐसे बहुत तेजी से बढ़ाओ तो कुछ पानी बाहर छलक जाता है, देखते हो ना, ऐसे करो ग्लास को पानी बाहर गिरता है। तो हमसे कह रहा है इफ इफ हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉटर comes out, then what is the acceleration of vessel? ऑप्शन भी दे दें, ऑप्शन भी दे दें इसके अगले लेक्चर में। तो देख सोचो ये कैसे होगा, इसमें पानी भरा है ये acceleration से भरा है, तो इसके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।